असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अध्याय पंद्रह, अध्याय पंद्रह। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत् परमार्गितव्यम् निरमानमोहाजित संगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा दैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम् गच्छन्त्य मूढ़ा पदमाव्ययम्। तत्पदम् अमूढ़ा गच्छन्ति, उस परम पद को वे व्यक्ति पाते हैं जो अमूढ़ हैं, जो अमूढ़ हैं, मूढ़ नहीं है। हमारे यहां पहले मूढ़ा चलते हैं, मूढ़ा सरपत्ते के, तो मूढ़ा वो हैं। ये एक ग्रामीण अर्थ कर रहा हूं, वैसे तो मूढ़ा का अर्थ अलग है, लेकिन ग्रामीण अर्थ ये है मूढ़ा वे हैं जहाँ पे सारा संसार बैठे और गंदगी छोड़े, वे मूढ़ा हैं। यानी संसार अपने ऊपर ढोए हैं और संसार की गंदगी अपने ऊपर ढोए, वो मूढ़ हैं। और जो परमात्मा को अपने ऊपर बिठाए वो सिंहासन है, हैं? परमात्मा को अपने ऊपर ढोए वो मूढ़ा नहीं है, वो सिंहासन है, हैं? तो अब मुझे कहना क्या है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परमार्गितव्यम्। राम जी ने ताड़का मारी, सुबाहु मार्यो, बाली मार्यो, लेकिन कोई बिना बाण के नहीं मार्यो, बाण की जरूरत पड़ी, लेकिन परमात्मा बिना बाण के बुराइयों को नष्ट नहीं कर पाता। लेकिन परमात्मा का भक्त यदि कोई महापुरुष है, कोई महात्मा है, उसे बाणों की जरूरत नहीं है, वो वाणी के प्रहारों से ही अंदर की बुराइयों को यूं तोड़ मडोड़ करके खत्म कर देता है। भीतर से अटैचमेंट को खत्म कर, निर्माण मोहा, निर्मोहा निर्माण, यानी मोह और मान से जो रहित कर दे वो संतों की वाणी है। निर्माण मोह और जित संग दोषा, संसार के संग से जो दोष आते हैं उन्हें जीतने की क्षमता महात्मा की वाणी देती है। संसार के संग से दोष आएंगे ही, काजर की कोठरी में कितनों हूं सयानों जाए, पर एक दाग काजर को लाग है पे लागे। संसार में बैठोगे तो तुम्हें क्षमता नहीं होगी, ताते बड़े व्यापार की बात करेंगे कि बेटा कुचले जी फंस जाए, हैं? अरे कहुनाए लोन है, जागो चिंता चुकर रहो, मैं करवा दूंगा। फिर बेटा चुका गड्ढा है और डूब गो तो ले मरो, अब खुदे और खुद के डूब गो तो ले। तो संसार के लोग तुम्हारी भक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, संसार के लोग तुम्हारे वैराग्य की चर्चा नहीं करेंगे, संसार के लोग डूबने की और डुबाने की बात करेंगे, हैं? तो जित संग दोषा, संसार के संग से जो दोष आते हैं उन्हें महात्मा की वाणी का पान करने वाला, हैं? चूरन खाने वाला, हैं? च्यवनप्राश खाने वाला, कौन सा वो वाला च्यवनप्राश नहीं, महात्मा की वाणी का प्रविष्ट करण रंध्रे न, महात्मा की वाणी को मुंह से नहीं कानों से पिया जाता है, हैं? ये रसायन है, मम कर्ण रसायनम, मम सौनक जी कहते हैं सूत जी से कि ऐसो रसायन प्याओ
कि मैं मेरे सारे भीतर के रोग नष्ट है जाएं।